सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई डे वन पे अच्छा कलेक्शन करने के बावजूद भी क्या ब्रह्मास मूवी अपने बजट को रिकवर कर पाएगी, या फिर भाई ये भी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह ही डे वन पे तो अच्छा कलेक्शन कर लेगी लेकिन बाद में भाई ये मूवी फ्लॉप या फिर डिजास्टर हो सकती है। एंड अगर भाई इस मूवी ने अच्छा नहीं करा देन भाई आगे चल के बॉलीवुड के लिए रिकवरी करना किसी भी मूवी के लिए काफी मुश्किल टास्क होने वाला है, बिकॉज इस मूवी के अंदर जो स्टोरी आप लोगों को देखने को मिल रही थी भाई ओरिजिनल स्टोरी थी। एंड अयान मुखर्जी जो कि इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं उन्होंने इस मूवी के ऊपर पूरे 10 साल दिए हैं, जो कि भाई काफी बड़ा नंबर होता है। तो क्या भाई जितने भी इन्वेस्टर्स ने इस मूवी के अंदर इन्वेस्ट करा था उनको भाई प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, सब कुछ भाई इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई ब्रह्मास मूवी रिलीज होने से पहले काफी ज्यादा हॉट टॉपिक बन चुका था, बिकॉज भाई एक तो इसमें आप लोगों को तगड़े VFX देखने को मिलते थे एंड उसी के साथ ही आप लोगों को इसके अंदर काफी तगड़ी कास्ट के साथ ही एक यूनिक स्टोरी प्रेजेंट करी जा रही थी, जो कि भाई अपनी जो इंडियन हिस्ट्री रही है उससे रिलेट करके बनाई गई थी। एंड इस मूवी के लिए भाई मैं भी काफी टाइम से वेट कर रहा था, लेकिन भाई जब मूवी रिलीज हो गई तो भाई मैंने इसका जब रिव्यू कर रहा था तो उधर मैंने आप लोगों को कुछ नेगेटिव पॉइंट इस मूवी के बताए थे। एंड अभी कंटिन्यू भाई वही इस मूवी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके हैं, बिकॉज इस मूवी के कॉन्सेप्ट में भाई वो पोटेंशियल था जो कि आप लोगों को भाई काफी सारे मल्टीपल गूज़बम्प्स के साथ ही आप लोगों को एक अच्छी तगड़ी स्टोरी भी प्रेजेंट कर सकता था। लेकिन भाई अभी कंटिन्यू कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से भाई जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं इस मूवी से डिसअपॉइंट हुई है, एंड उनके अकॉर्डिंग भाई यही एक सबसे बड़ा रीजन बनेगा इस मूवी के भाई फ्लॉप होने का, या भी भाई शायद ये मूवी रह रहे अपना बजट रिकवर कर पाए। मे बी भाई ये मूवी इस साल की एक और डिजास्टर हो सकती है, बिकॉज इसका बजट काफी ज्यादा हाई फाई है। आप लोग को इस मूवी का जो बजट है वो भाई 410 करोड़ का देखने को मिलता है, एंड जिस तरीके के रिव्यूज अभी कंट्री सामने निकल कर आए हैं उससे भाई ऐसा लग रहा है कि इसका जो कलेक्शन है आप लोगों को भाई नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। सो जो पहला पॉइंट है जो कि भाई ऑडियंस को इस मूवी के अंदर ज्यादा पसंद नहीं आया है वो भाई अननेसेसरी लव स्टोरी, मतलब कि आप लोगों को इसके अंदर ईशा एंड शिवा की इतनी तगड़ी लव स्टोरी देखने को मिल जाती है कि भाई ऑडियंस बीच में ये चीज भूल जाती है कि ये सुपर हीरो वाली मूवी है या फिर भाई इसके अंदर आप लोगों को लव स्टोरी वाली मूवी देखने को मिल रही है। बिकॉज भाई इस मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत तगड़े सीन से होती है जिसको देखने के बाद भाई जितनी भी ऑडियंस थी उन सबको मजा आ रहा था, लेकिन भाई उसके बाद फिर मूवी पूरी तरीके से बीच में फ्लैट हो जाती है। फिर उसके बाद मूवी में कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जो कि भाई मूवी को थोड़ा एलिवेट करते हैं, उसके बाद फिर से भाई जो आप लोगों को लव स्टोरी वाला सीन देखने को मिलता है उसको देखने के बाद फिर से मूवी पूरी तरीके से फ्लैट हो जाती है। तो भाई मूवी के अंदर काफी सारे अप्स एंड डाउन आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि भाई कहीं ना कहीं जो ऑडियंस का कनेक्शन है वो कट कर देते हैं। सेकंड चीज जो कि भाई इस मूवी के अंदर ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी है वो भाई इस मूवी के अंदर जो आप लोगों को अननेसेसरी सॉन्ग देखने को मिल जाते हैं। अब देखो भाई बॉलीवुड की आदत रही है कि भाई वो लोग किसी भी मूवी के अंदर गाने ठूस देते हैं, एंड वही सेम चीज आप लोग को इस मूवी के अंदर भी देखने को मिलती है। एंड ये चीज भाई मैंने अपने रिव्यू के अंदर भी पॉइंट करी थी कि भाई जो ऑडियंस मार्वल की मूवीज को देख रखी है भाई डीसी की मूवीज को देख रखी है उन लोग को भाई मूवीज के अंदर गाने पसंद नहीं आते हैं, खासतौर से भाई अगर मूवी आप लोग की सुपर हीरो या फिर सुपर पावर्स के ऊपर बेस्ड है। तो थर्ड पॉइंट जो कि भाई इस मूवी के अंदर ऑडियंस को पसंद नहीं आया है प्लस मेरे को भी ये चीज अच्छी नहीं लगी थी वो था भाई वीक स्टोरी टेलिंग प्लस भाई वीक विलन, मतलब कि भाई जिस तरीके से इस मूवी के अंदर स्टोरी को प्रेजेंट करा गया भाई बहुत जगह पे चौपी लगता है, लगता है कि भाई कुछ सीन्स को जबरदस्ती ठूंस दिया गया है। प्लस भाई इसी के साथ इसके अंदर जो आप लोग को विलन देखने को मिलती है मौनी रॉय वो भाई बहुत ही ज्यादा डिसेंट प्लस एवरेज लगी है। आई थिंक अयान मुखर्जी ने ऐसा सोचा होगा कि भाई इसके पार्ट वन के बाद इसके पार्ट टू में काफी तगड़े विलन को इंट्रोड्यूस करेंगे नई स्टोरी के साथ, लेकिन भाई अगर आप लोग का पार्ट वन ही नहीं चलेगा तो भाई पार्ट टू कैसे बना पाओगे। सो आई थिंक भाई मेकर्स को पार्ट वन की स्टोरी पे और ज्यादा अच्छी तरीके से फोकस करना चाहिए था। एंड भाई यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से भाई ये मूवी अभी करंटली बॉक्स ऑफिस पे सफर करने वाली है, बिकॉज भाई इसमें का जो ऑडियंस की तरफ से रिव्यू सामने निकल कर आया है भाई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, एंड करंटली जो इसकी आप लोग को रेटिंग देखने को मिलती है भाई 4 के आसपास है, जो कि भाई इस मूवी के लिए बहुत बेकार रेटिंग मानी जाएगी, बिकॉज भाई इस मूवी को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था प्लस भाई इस मूवी के ऊपर इन्वेस्टर्स ने काफी ज्यादा मोटा पैसा भी लगाया हुआ है। अब देखते हैं भाई इन्वेस्टर्स को कितना ज्यादा लॉस होता है इस मूवी के ऊपर, या फिर भाई कहीं ना कहीं जो मूवी है अपने जो लाइक बजट है उसको रिकवर कर ले जाती है। अगर भाई इस मूवी ने अपने बजट को रिकवर कर लिया देन भाई वो किसी भी चमत्कार से कम नहीं होगा, बिकॉज भाई प्रॉफिट में तो इस मूवी का जाना काफी मुश्किल होने वाला है। मेरे हिसाब से भाई जिस तरीके का इस मूवी का परफॉर्मेंस हो रहा है आई थिंक मूवी 200 करोड़ भी कलेक्शन कर ले तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस मूवी को तो भाई ऐसा कलेक्शन करना चाहिए था जैसा भाई अभी तक बॉलीवुड में किसी भी मूवी ने ना करा हो, लेकिन भाई आई थिंक मूवी अब उन सब में लैग करने वाली है। अब देखते हैं भाई मूवी कितने ज्यादा बड़े लॉस में जाती है, क्या मूवी फ्लॉप होती है, भाई मूवी डिजास्टर होती है, या फिर भाई किसी चमत्कार की वजह से मूवी अपने लाइक बजट को तो रिकवर कर लेती है। तो आप लोग का भाई क्या थॉट है, ये मूवी फ्लॉप होने वाली है भाई डिजास्टर होने वाली है, या फिर आप लोग के अकॉर्डिंग क्या ये मूवी भाई अपने बजट को रिकवर कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? आप लोग के जो भी थॉट्स हैं उसको भाई जरूर से शेयर कर देना। मैं पर्सनली चाहता था कि भाई ये मूवी अच्छा करे, एंड आप लोगों ने मेरे पास के वीडियोस को देखा होगा देन आप लोगों को बता होगा कि भाई मैं स्टार्टिंग से इस मूवी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन भाई अगर मेकर से अच्छी स्टोरी प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे देन भाई मूवी कहीं ना कहीं लैग तो करेगी ही। तो बाकी भाई आगे चल के इस मूवी के ऊपर जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आप लोगों को जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा देन भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस ऑफ।